पर कोई नहीं, अब तो रॉकी को भी वाई वाई क्रैश हो गया। अब ध्यान से चलाओ तुम। जितना आपकी बाइक खूबसूरत है ना, उससे ज्यादा आप खूबसूरत हो। क्या ही लग रही है खवस जी। आई डोंट नो ये पहाड़ों पे क्या है, बट जब भी मैं पहाड़ों पे आता हूँ इट्स फील लाइक हेवन। गाइस देख सकते हैं एक लड़की खवस की बाइक चला रही है भाई। राम राम भाई सारे ने, मैं हूँ आपका रॉक लाम एंड वेलकम टू माय लाइफ। एंड सुबह के देख सकते हैं गाइस 11 बज चुके हैं एंड यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरीके का। इससे पहले वाले वीडियो आपने देखा होगा, हम लोग सिलगुड़ी से शिटोंग आ गए हैं, तो ये ब्लॉग शुरू आ रहा है सीधा शिटोंग से। और हम लोग कुछ इस तरीके के कल रूम पे रहे थे एंड हमारा भाई अभी जस्ट हक के आया है। एंड हाँ, कैसा फील हो रहा है आपको? पानी जो ना, पानी में करेंट है, करेंट। तो आज का सीन ये है, हम सीटों एक्सप्लोर करने वाले हैं फर्स्ट टाइम एंड देखेंगे आज कहाँ कहाँ हम घूमेंगे, बने रहे एंड तक, ठीक है। उससे पहले गाइस हमारे भाई चारे सारे ने ब्रेकफास्ट कर लिया, मैंने नहीं किया हूँ, अभी नीचे जाएंगे ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद निकलेंगे। एंड सोच रहा हूँ लाइक दार्जिलिंग भी बहुत दिन हो गया नहीं गया, तो दार्जिलिंग हो सके तो जाएंगे। एंड अभी शिटोंग घूमेंगे, उसके बाद हम कर्सेंग के उधर रिजॉर्ट वगैरह भी है शायद, वहाँ पे भी जाएंगे घूमने के लिए। एंड हमारा कुछ इस तरीके का स्पाइडरमैन मैंने चुराया तुम्हारा चैन, ए स्पाइडरमैन कैसा है? स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरा दिल का चैन। जिसका डर था वही हो रहा है गाइस, धीरे धीरे करके बारिश बहुत ज्यादा आने वाला है, आई थिंक सो, भगवान करे कि ये बारिश रुक जाए। एंड हमारे मिले हमारे रॉकी से गाइस, गुड मॉर्निंग रॉकी। तो हम लोग नीचे आ गए हैं, गुड मॉर्निंग खवस जी। गुड मॉर्निंग। तो क्या है हमारे लिए ब्रेकफास्ट में? अच्छा ये वाई वाई है, मुझे लगा ये चाउमीन है। और हमारे मेसो से ऑर्डर किया हुआ अरिजीत सिंह देख सकते है, थोड़ा गिटार बजाओ। सो गाइस हम लोग रेडी हो चुके हैं सीटों घूमने के लिए, थोड़ा सा चश्मा लगा लेता हूँ, लग रहा हूँ ना अभी पीयू छपरी। तो मिल सकते हैं, हमारे खवास जी अपने बाइक पर आ चुकी है, तो हमारे वन एंड ओनली, और यहाँ पे एक खूबसूरत से परी आई है, मिली हमारे नौमी बहन से। कैसी हो बहन आप? एकदम ठीक भाई, आप तो बहुत खूबसूरत लग रही हो, ऐसा लग रहा है चांद धरती पे आ गया। आज हमारी नौमी बहन भी ये सामने ही रहती है, कल मिले थे तो सोचा कि बहन के साथ भी हम लोग घूमने के लिए निकले। तो हम लोग चारों जन रेडी हो चुके हैं, अपना रॉकी कॉल स्टार्ट भी हो चुका है, तो चलिए गाइस निकलते हैं यहाँ से। सो गाइस हम लोगों ने बाइक यहाँ पे पार्क कर दिया हूँ, बिकॉज हम लोग को यहाँ से चल के जाना पड़ेगा। ओह माय गॉड गाइस, ये मैंने क्या देख लिया? महेश डल्ले ये डल्ले घुस नहीं है गाइस, देखो नेचुरल भाई, रास्ता देखो गाइस, अब यहाँ से ट्रैकिंग शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छी चीज देखा हूँ गाइस, ये जो जितने भी सारे देख रहे हैं ना, ये कुच्चो है, इसको इंग्लिश में ब्रूम बोलते हैं, लाइक जो घर साफ करते हैं ना, मुझे भी नहीं पता था, ये अभी हमारे दोस्त बोला। ब्रूम नहीं बोलते, खुश हो लेट्स गो आराम से मुन्ना, यहाँ से गिर जाऊंगा गैंग खत्म। यार हमारी खवास जी ने हम लोगों को पूरा ट्रैकिंग करा रहा है गाइस, दार्जिलिंग में। ये शिटोंग है ना? अच्छा ये दार्जिलिंग शिटोंग बोलता है इसको। ओह गॉड बहुत ही थक गया गाइस, और हमारा चाय आ चुका है, पहाड़ी चाय। इसने हमको बोला था यहाँ पे व्यू दिखाने के लिए लाया था, और यहाँ से व्यू देखो गाइस अति उत्तम, ये व्यू। एक्चुअली हम ना यहाँ पे अपने खवास जी के दीदी के घर पे आए है, तो यहाँ पे हमारा पहाड़ी चाय आ चुका है। ओ बहनी चेस ए चेस
पहाड़ में आके ना अंदर नहीं बाहर पियेंगे चाय। ये देखो ये नजर के साथ पहाड़ी चाय गाइस। तो देखिए गाइस ये सब चाय पत्ती है टी, और यहाँ से ये बोट बड़ा होगा तो यहाँ यही से सब सप्लाई होगा चाय पत्ती। अच्छा वापस से फिर अपने बाइक के पास आ चुके गाइस। चलिए यहाँ से निकलते, मेरा हाथ से ब्लड निकल रहा है गाइस। देखो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, मतलब ब्रूम का पैर से कट गया। अरे यार ब्रूम कुछ को पैर से कट गया गाइस। देखो ना। सो गाइस अभी हम लोग जोगी घाट जा रहे हैं, जो कि वहाँ पे प्लेस काफी अच्छा है, एंड वहाँ जाके हम अपन लोग रील्स बनाएंगे, डांस करेंगे, इंस्टाग्राम पे देख लेना गाइस। और यहाँ से रास्ता काफी स्मूथ है बट काफी डाउन है, और जो जोगी घाट है यहाँ से आधा घंटे का रास्ता है। देखेंगे हम लोग कब तक पहुंचेंगे। और यहाँ पे धीरे धीरे ना लाइक बारिश आ रहा है एंड काफी ज्यादा ठंड भी लग रहा है। कमेंट में बताओ गाइस कि आपको पहाड़ियों पे रहना पसंद है, अपन को तो बहुत पसंद है। सोच रहा हूँ पहाड़ में से ही एक लड़की से शादी करके इधर ही घर बसा लूँ, क्या कहते हो गाइस? जस्ट किडिंग गाइस, वो तो आप फ्यूचर में पता चलेगा ना क्या होगा क्या नहीं। क्या हुआ? हाँ मेरा बाइक चला, मैं आपका बाइक चलाऊंगा। मेरा बाइक चला ना, चला पाओगी? प्लीज गिव मी योर बाइक। बाइक चला पाओगी मेरा? पर मैं तुम्हारा नहीं चला पाऊंगा तो देखते हैं। अच्छा ओके आ जाओ, पर रास्ता खराब तो नहीं है ना? क्योंकि रास्ता खराब होने से ना ये प्लेन पे तुमको मुश्किल होगा, पता है नीचे ग्राउंड क्लियरेंस तुम ठुका देगी। चलो वैसे मैं बाइक किसी को देता नहीं हूँ, हमारे खावस जी बोला तो दे देंगे आपके लिए, तो जान हाजिर है। जस्ट किडिंग गाइस, अब हमारी खावस जी हमारी बाइक चलाएगी, हम उसका बाइक चलाएंगे। ओ माय गॉड खावस जी को देख सकते हैं गाइस, क्या ही लग रही है खावस जी, ऐसा लग रहा है कि आप लाइक मोटे जी भी रेस पे जा रही है। चलो ओए भाई बैठ जाओ, चलो आज हम हिमालयन चलाएंगे ठीक है बनी। और ये मेरा फर्स्ट टाइम है गाइस हिमालयन, आई होप कि मैं अच्छे से चला पाऊँ। इसका हैंडल थोड़ा सा टाइट लग रहा है और बाइक वैसे कंफर्टेबल है। चलो लेट्स ट्राई एडवेंचर बाइक, फर्स्ट टाइम गाइस, स्टार्ट हो चुका है गाइस, लेट्स गो। फर्स्ट टाइम हिमालयन बाइक चला रहा हूँ, वो भी पहाड़ियों पर गाइस। अभी जस्ट पहले तो मुझे हैंडल टाइट लगा था बट अभी मैं चला रहा हूँ ना तो लाइक सब कुछ सही है। कल आते वक्त ना एक्चुअली एक प्रॉब्लम हो गया, ये इसका ब्रेक जो है ना वो फेल हो गया पीछे का वाला, बट चला लेंगे कोई नहीं। थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है यार, स्पोर्ट्स बाइक चलाने का आदत हो गया है ना तो एडवेंचर बाइक में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रखा है, बट आई एम एंजॉयिंग इट गाइस। गाइस देख सकते हैं एक लड़की कहां से की बाइक चला रही है, भाई कैसा लग रहा है खावस जी, मजा आ रहा है? बट अभी मेरे को गुस्सा आ गया, हाँ आपने बम्पर में ठुका दिया ना, आस्ते आस्ते चलो ना ठीक है, मेरे लोगों को खुश नहीं होना चाहिए। ओ मागो गाइस बारिश तो जोर से आ गया रे, हम लोग को रुकना पड़ेगा एक जगह पे यार, नहीं तो हम भीग जाएंगे, कपड़ा भी नहीं है, ठंड लग जाएगा, फिर बीमार पड़ जाऊंगा, फिर यहीं पे बैठना पड़ेगा कुछ दिन और। तो दुकान तो है वहाँ पे, दुकान है कहाँ पे रखे बाइक? उतरो बहन, भीग गए अपन लोग, बाइक को इधर साइड पे लगाओ, बारिश आ रहा है आराम से, चलो स्टैंड लगाओ। ओके बारिश रुकने तक ना हम लोग यहाँ पे रुक जाते हैं गाइस। चेस अभी बारिश आ रहा है गाइस तो सोचा हम लोग गर्म गर्म चाय पी लेते हैं। ऑल राइट गाइस बारिश रुक चुका है, सूरज चौथ निकल चुका है, खावस जी रोके ही चलाओगी? yes. आराम से चलाना ठीक है प्लीज। ओके ओके लेट्स गो बॉयज। एंड गाइस कल ना मैंने जेएस पाजी का वीडियो देखा था, लाइक उसमें बहुत ही अच्छी बात बोली है, वो पहले से बोलते आ रहे हैं जो भी सारे रेस ड्राइविंग जो पब्लिक में स्टन वगैरह करते हैं, और फिलहाल में एक तमिलनाडु में लाइक भुसाना कुछ सुपर बाइक था उस व्हीली कर रहे थे बंदा लाइक पब्लिक में, और क्या हो गया वो क्रैश हो गया। अच्छा हुआ कि किसी को चोट नहीं आया, लाइक जो बाइक था उसको थोड़ा सा चोट आया, शुक्र है कि वो बच गया ठीक है। बात ये है कि गाइस मोटो ब्लॉगिंग कम्युनिटी ना गाइस पहले से काफ़ी ज़्यादा क्रिंज खराब हो चुका है, लाइक यू नो जयेश पाजी ने वहाँ पे एकदम सही बात बोली है कि लाइक ऑडियंस जो है ना, मैं आप लोगों को खराब नहीं बोल रहा हूँ बट कुछ कुछ ऑडियंस जो है ना लाइक वो लोग ना खाली ईस्टर्न राइट जो क्रिंजी कंटेंट देखना पसंद करते हैं, लाइक जो अच्छे कंटेंट बना रहे उसको तो देख ही नहीं रहा है, और जो अच्छे कंटेंट बना रहे अगर उसको देख ही नहीं रहा है तो उसको भी तो लाइक वो भी तो डीमोटिवेट हो जाना होता है ना बंदा। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि गाइस अच्छे वीडियो को देखे, जो पॉजिटिव वीडियो बनाता है उसको आप लोग सपोर्ट कीजिएगा एंड सभी को अच्छा लगेगा ऑब्वियसली। यू नो लाइक मैं क्या कहना चाहता हूँ, एक बार जाके जयेश पाजी का वीडियो देखना गाइस,
कुछ दिन पहले की बात है, आपने देखा होगा टेनर पे स्पॉट डेट हो गया। तो मैं नहीं चाहता हूँ यार किसी घर से लाइक किसी का बेटा ऐसे लाइक दुनिया छोड़ के चले जाए। सबके माँ पापा को अपना बेटा बहुत पसंद होता है, बट बेटे लोग क्या करते हैं, बहुत जिद करते हैं कि हमें ये बैग दिलाओ, सुपर बैग दिलाओ, और देने के बाद वही स्टर्न वगैरह, रेस ड्राइविंग वगैरह, और खुदा ना खास्ता कल को जाके कुछ हो जाए तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो अपने माँ पापा को होता है ना। जो जो राइडर ऐसे हादसों से लाइक डेथ हुआ है उसके घर वालों को ही दर्द पता है भाई कैसा होता है। तो ये मैं भी यही चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज स्टर्न वगैरह मत कीजिएगा पब्लिकली, करने का भी एक जगह होता है वहाँ पे कीजिएगा, ठीक है। अब मैं मेरा ही बात करता हूँ, लाइक जब मैंने अपना रॉकी को लिया था तो मैं भी वैसा वीडियो देख के थोड़ा सा लाइक फॉलो कर रहा था, लाइक मुझे भी अच्छा लगता था व्हीली करना, हर किसी को अच्छा लगता है। तो मैंने भी बहुत ट्राई किया, बट एक दिन क्या हुआ, व्हीली करते करते ना हम दो दिन थे भाई भाई, व्हीली गया 90 डिग्री आया, कुछ ज्यादा रैप मार दिया, और रोड में ही वो भी रात को हुआ था याद सा, पूरा उंटो मुंटो हो गया, लाइक क्रैश हो गया और पीछे का पूरा टूट गया था। एंड उस दिन जो अपने रॉकी के साथ क्रैश हुआ, मुझे भी थोड़ा सा इंजर हुआ ना, तो उसके बाद मैंने वो सब चीज करना ही छोड़ दिया। और टूरिंग का जो बीच में हादसे की वजह से प्रॉब्लम आके मैंने स्टॉप कर दिया था, वो सब फिर से कंटिन्यू करेंगे गाइस, बस आप लोग सपोर्ट करते रहना। एंड जो भी सारे मेहनत कर रहे हैं यूट्यूब में, उन सभी को आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, उन लोगों को अच्छा लगेगा। सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं जोगी घाट। As you can see guys, यहाँ का व्यू एंड ये जोगी घाट का ब्रिज है जो कि बहुत ही अच्छा दिख रहा है, एंड यहाँ पे अपन लोग अभी रील्स बनाएंगे। एंड अभी भाई क्या सुंदर नजारा है, देखो वहाँ पे नदी कितना साफ है यार। चले गाइस यहाँ का सिनेमेटिक का थोड़ा सा व्यू का मजे ले ले जाए। 1 2 3 स्टार्ट। अब तेरे बिना यहाँ मेरी सांसें जैसे बिना नींद गिराते। ओके गाइस हमारा रील्स का वीडियो बन चुका है, इंस्टाग्राम पे जाके देख लेना। एंड हमारे यहाँ पे एक और लेडी राइडर आ चुकी है, वन एंड ओनली। आपका गुड नेम? कौन नेम क्षेत्रीय, आप कहाँ से? एंड यहाँ पे देख सकते हैं हमारी सिस्टर का कौन सा बाइक है, KTM। आप ये पहाड़ियों पे चलाती है, आपको कोई प्रॉब्लम मतलब आप एक्सपीरियंस? चलो यार एंड चेक दिस आउट गाइस, वहाँ की KTM। एंड वहाँ जितना आपके बाइक खूबसूरत है ना, उससे ज्यादा आप खूबसूरत हो, ऐसे ही राइड करते रहिए, कभी हो सके तो साथ में राइड करेंगे, क्या कहते हो? ओके थैंक यू सो मच, बाय बाय। भाई साहब बाइक में कितनी खूबसूरत लग रही है हमारी परी जी। ओके गाइस यहाँ पे हमारे क्यूट क्यूट सब्सक्राइबर फ्रॉम सिलीगुड़ी मिल चुके हैं, वन एंड ओनली। हेलो सिस्टर्स, कैसी हो? हमारे दीदी लोग जो है ना गाइस यहाँ पे रिलीफ कैंप के लिए आए ना, तो यही है, और साथ में घूम भी रहे, तो सोचा कि बादल बरसे बिजली पे ना आप लोगों के साथ वीडियो बनाएंगे, ठीक है। इंस्टाग्राम पे जाकर देख लेना गाइस, ये काफी ज्यादा क्रेजी होने वाला है वीडियो। आर यू गाइस एक्साइटेड? बरसा बिजली, तो देखो उसके बाद अपने स्टॉल पे। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सिस्टर्स थैंक यू सो मच। सच बता रहा हूँ गाइस, अनएक्सपेक्टेड क्रेजी डांस हुआ हमारे दीदी लोग के साथ, कैसा लगा बहन? मुझे तो मजा आया वीडियो करने में। क्रेजी ना? अभी पता नहीं हम लोग को कहाँ जाना है, अभी हम यहाँ से लेफ्ट ले रहे हैं बिकॉज सामने नदी है, आई होप कि नदी का रास्ता हो वहाँ पे। एंड रास्ता यहाँ पे काफी ज्यादा ऑफ रोड है गाइस। चलो चलो कोई नहीं, चलो, अरे लेट्स गो यार, तुम्हारा एडवेंचर बाइक है, टेंशन तो हमें है भाई, पर कोई नहीं, अब तो रॉकी को भी वाई वाई क्रैश हो गया भाई साहब। ओ रुको रुको रुको, बाइक चाबी बंद करो, उतर तो। पकड़ के रखना ठीक है यार, देखना चाहिए ना, ढूंगा थे रेडी है? 1 2 3 स्टार्ट। वेट, अब ध्यान से चलाओ तुम। हो गया, अब नहीं जाएंगे कहीं। छोटी बच्ची हो क्या, दिखाई नहीं देता है क्या, रास्ता खराब है?
छोटे बच्चे हो क्या? ओके ओ मजा करेगा ही अच्छी। यहाँ पे अब ऐसा है ना, उसका हाइट भी नहीं है तो उसको पैर नहीं पहुंचा ना वहां पे तो गिर गई। ओके गाइस, खवास जी का बाइक को मैंने उधर लगा दिया हूँ, अपना रॉकी को लेके जाते हैं। क्या हुआ भाई? लग गया थोड़ा। क्या हुआ? अरे यार सेट गाइस देखो, इसका जो छाला है ना पिछला गया गाइस, देखो पूरा लाल हो चुका है। चलो भाई बस गिरे ना ये। सो गाइस यहाँ पे टाइम देख सकते हैं, इवनिंग के 5 PM हो चुके हैं एंड हमारा आधा टाइम यहीं पे स्पेंड हो चुका है। लाइक क्यों बोले तो हमारा भाई और बंधु का है ना पैर अभी दर्द कर रहा है ऐसा बोल रहा है, तो हम लोग थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। रेस्ट करते करते भूख लग गया था, बट हमारा लंच बन के हमारा स्टे पे रेडी हो गया है। वहां तक जाने के लिए हमको एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए हमने यहाँ पे गर्मा गर्म वाईफाई मंगाया है। गाइस बीच जंगल में अपना रॉकी का पिछला टायर जो है ना वो पंचर हो गया, आई थिंक हवा निकल गया इसका, तो आगे ना पंचर दुकान है, आई थिंक हम लोग को वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो अभी सीन ये है, अपना खवास जी के बाइक में हम 3 जन चढ़ेंगे, वो अपना रॉकी अकेला, खवास जी चलाएंगे, लेट्स गो। तेरे बिना यहाँ